हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। तो बनिए हमारी फैमिली का हिस्सा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि चाहे खबरदार हो या मज़ाकरात, सब पहुंचेगा आपकी न्यूज फीड में। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नैब का दौरा मयार है, जिसके लिए हम नैब लॉ चेंज करने आए थे इधर, उस वक्त भी आपने नहीं सुना। एक डिक्टेटर ने कानून बनाया, उसको अगर आप समझते हैं सही है, और अपना जो पावर है वो दूसरे के हाथ में देना चाहते हैं। क्यों पकड़ा शर्जील मेमन, शिकंजे में आए तो नैब में ऐब नजर आने लगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत अक्सरियत के बलबूते पर सिंध असेंबली गई, कौमी एहतसाब ब्यूरो के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर करा ली। एमक्यूएम ने एतराज उठाया लेकिन मुखालफत करने से बाज नहीं। वजीर आला सिंध ने एक्शन लेते हुए नैब को गैर आईनी इदारा करार दे दिया। बोले शर्जील मेमन अदालतों से भागे नहीं बल्कि सरेंडर किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुखालफत करने पर केटरिंग के ठेकों की इंक्वायरी कराने का ऐलान भी किया। वेलकम शर्जील। ऐसा कौन सा कला फतह कर लिया? करप्शन केसेस के मुलजिम की सिंध असेंबली आमद पर फूल बरसाए गए। डेस्क बजे स्पीकर शहला रजा ने भी अपने जाले को वेलकम किया। मुकदमात का सामना करने पर खराज तहसीन। शर्जील मेमन को होम क्राउड पर सपोर्ट मिली तो होम क्राउड के सामने लफ्जी मार धार शुरू कर दी। कहा नवाज शरीफ भी नैब के मुलजिम है, नाम ECL में क्यों नहीं? शरीफ फैमिली के लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग, ये दोहरा मियार क्यों? नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली का जिन पर रेफरेंस दायर हो चुके हैं, क्या उनके नाम ECL पे हैं? क्या वही रेफरेंस के बाद इसहाक डार साहब मजे के साथ पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, पेशियों पे भी नहीं आ रहे, क्या उनके नाम ECL पे हैं? तो ये दोगली पॉलिसी क्यों है? दुआ कीजिएगा कि करप्ट लोग उनका ऐसा इस्तकबाल हो कि उन पर लोग जिस तरीके से गुस्सा है वो उस गुस्से का इजहार करें, ताकि ये चीज मिसाल साबित हो। ऐसा मिसाल कायम ना हो कि बाहर फूल भरसा हो और चोर आया है, चोर आया है, ऐसा कोई मिसाल ना हो इस मुल्क में। शर्जील मेमन पर फूल बरसाए गए तो ऑपोजिशन ने लफ्जों के कांटे फेंके। फंक्शनल लीग की रुकन नुसरत सैर अब्बासी ने करप्शन के खात्मे की दुआ से हरीफों को चोट पहुंचाई। MQM पाकिस्तान के खाजा इजहारुल हसन इजहार करने आए तो कहा करप्शन दहशतगर्दी को जन्म देती है। कप्तान के खिलाड़ी खुरम शेर जमान ने लूट मार करने वालों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा किया। कई सालों से करप्शन की गर्द से अटी बॉनफायरें खुल गई। नए चेयरमैन का हुक्म आते ही नैब लाहौर इन एक्शन। असासों से जायद असासों के शवाहिद पर वजीर खजाना इसहाक डार और उनकी अहलिया कल तलब। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के इल्जाम पर तहरीक इंसाफ के अलीम खान घेरे में। LDA से रिकॉर्ड तलब। चौधरी बरादरान भी रडार पर आ गए। 2,42,80,00,000 से जायद करप्शन इल्जाम पर 6 नवम्बर को बुलावा आ गया। इलेक्शन से कबल नई हल्का बंदियां, पार्लिमानी रहनुमाओं की एक और बैठक, आईनी बिल की नोक पलक सवारी गई। कौमी असेंबली की 272 नशिस्तें बरकरार रहेंगी। पंजाब से 9 सीटें कम करके 5 खैबर पख्तूनख्वा, 3 बलोचिस्तान और 1 इस्लामाबाद के खाते में डाली जाएगी। लाहौर, DG खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और लैया के स्कोर में 1-1 का इजाफा होगा। तमाम जमातें तरमीम के हक में वोट देंगी। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं कि बिल कल मंजूर करवा लिया जाएगा। हम चाहते हैं इलेक्शन पर वक्त ये इकदाम जो हमने उठाए हैं कल और आज, इससे इलेक्शन पर वक्त होने को हमने इंश्योर किया है। सियासी मौसम में तब्दीलियां देखते हुए तहरीक इंसाफ ने जहन तब्दील कर लिया। फौरी इलेक्शन के मुतालबे से दस्तबरदार। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आम इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए, नई हल्का बंदियां और बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएंगे।
15 روز پہلے ہم نے درخواست جمع کرا دی تھی انتظامیہ اور پولیس کو, اور حکومت سندھ کو یہ بتا دیا تھا کہ ہم 5 نومبر کو یہ جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں. 2 روز پہلے یہ کہا جائے کہ آپ کو جلسہ عام کی اجازت نہیں ملے گی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ہمارے سیاسی اور جمہوری حق سے روکا جا رہا ہے. ڈوبتوں کو جلسے کا سہارا, ایم کیو ایم پاکستان نے مردم شماری نتائج کے خلاف 5 نومبر کو ہر صورت میدان لگانے کا اعلان کر دیا. فاروق ستار نیوز کانفرنس کرنے آئے تو لہجے میں تلخی نظر آئی, بولے ہمیں تاریخ تبدیل یا موخر کرنے پر مجبور نہ کیا جائے. منی لانڈرنگ کے الزامات مسترد کرتے ہوئے سرفراز مرچنٹ کو ہی مجرم قرار دے دیا. امریکہ جو ہے اس انفلوئنس سے آزاد ہو کے پالیسی جو ہے وہ اس کو مرتب کرے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ لاجیکل بھی ہوگی اور زیادہ افیکٹو بھی ہوگی. جب وہ پاکستان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو ایکچولی وہ اپنی شکست کی پردہ پوشی کر رہے ہیں. امریکہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے پاکستان کو قصوروار قرار دیتا ہے. وزیر خارجہ کی سینٹ میں واشنگٹن کے خلاف لفظی کارروائی. خارجہ صرف کہتے ہیں الیکشن کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کچھ اور تھی اور الیکشن کے بعد کچھ اور. پاکستان اپنے مفادات کا بھرپور تحفظ کرتا ہے اور امریکہ سے تعلقات میں بھی مفادات کا تحفظ کریں گے. افغان مسئلے کے حل کے لیے بات چیت جاری ہے. دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے کا الزام غلط ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا امریکی جریدے کو انٹرویو, کہتی ہیں پاکستان اب محفوظ اور پرامن ملک ہے. لندن میں نون لیگ کے بڑوں کی بڑی بیٹھک, فیصلہ بھی بڑا کر لیا. نواز شریف نے قانونی جنگ لڑنے کے لیے واپسی کا ٹکٹ کٹوا لیا. آج رات پاکستان کی پرواز پکڑیں گے. 3 نومبر کو احتساب عدالت پیشی. نواز شریف ایئرپورٹ سے پنجاب ہاؤس جائیں گے. نواز شریف کی واپسی, نیب نے بھی استقبال کی تیاریاں شروع کر دی. جہاز تک رسائی کے لیے ایئرپورٹ کے چیف سیکیورٹی آفیسر کو خط. نیب ٹیم نواز شریف سے عدالت طلبی کے سمن کی تعمیل کرائے گی. رہنا ہے تو قانون کے دائرے میں رہیں. کراچی شاہ لطیف ٹاؤن میں حد سے تجاوز کرنے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن. ابھی چند مکانوں کی دیواریں اور دکانیں ہی مسمار ہوئی تھیں کہ مشتعل افراد نے جوابی آپریشن شروع کر دیا. جلاؤ گھیراؤ, سرکاری عملے پر پتھراؤ, ٹائر جلا کر نیشنل ہائی وے کو بلاک کر دیا. شہری بدترین ٹریفک جام کا عذاب سہتے رہے. سکھر میں بھی غیر قانونی آبادیوں پر بلڈوزر چل گئے. گھر مسمار ہونے پر مکینوں نے قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے پتھر اٹھا لیے. پولیس نے ہوائی فائرنگ اور شیلنگ سے منتشر کیا. 2 افراد زخمی, 5 کو گرفتار کر لیا گیا. آن لائن ٹیکسی سروس کی راہ میں ٹیکس کی لائن کھینچ دی گئی. نئی پالیسی کے مطابق گاڑی کو کمرشل کرانا لازمی. اوبر اور کریم سمیت دیگر شیئر رائڈنگ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کو کمرشل ٹیکس بھرنا پڑے گا. انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے پالیسی تجاویز پنجاب حکومت کو ارسال کر دی. پنجاب میں اسموک کا قبضہ برقرار, دفعہ 144 نافذ. محکمہ ماحولیات کا ماحول صاف رکھنے کے لیے کریک ڈاؤن جاری. آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں اور گاڑیوں کے خلاف کارروائی. اورنج لائن ٹرین اور سیف سٹی پروجیکٹ سمیت 14 تعمیراتی منصوبوں پر کام روکنے کا نوٹس جاری. بارش کب ہوگی؟ محکمہ موسمیات کے پاس بھی کوئی اچھی خبر نہیں. کلاسز نہیں ہو رہی, اسٹوڈنٹ بالکل نہیں ہے. انتظامیہ کو چاہیے
ये बोला चाहे का मुजाहरा करें, कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए कोऑपरेट करें। नुकसान तो बहुत हुआ है स्टूडेंट्स का और टीचर्स का, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह ताला इसको कंपनसेट करेंगे। कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद खुल गई, तुलबा ने हड़ताल को भूख हड़ताल में बदल दिया। तदरीसी अमल में रुकावट न डालने का ऐलान, ताहम पढ़ाई आज भी न हो सकी। वजीर सैफरान अब्दुल कादिर बलोच की सरबराही में सेनेटर्स का चार रुकनी वफ पहुंचा और वाइस चांसलर से मुलाकात की। डाक गाड़ी में खत की बजाय असलहे की तरसील, सिक्योरिटी अहलकारों ने अटक में बर वक्त कार्रवाई करके हथियार स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। ड्राइवर और मुलाजिम समेत चार अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूयॉर्क में खौफ के साए, मैनहट्टन में ड्राइवर ने ट्रक राहगीरों पर चढ़ा दिया। 1.5 किलोमीटर तक लोगों को रोंदने के बाद स्कूल बस से जा टकराया। हर तरफ चीखों पकार मच गई, 8 अफराद हिलाक, 15 जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गोली मारकर जख्मी हालत में पकड़ लिया। 29 साल उस वक्त शहरी निकला। सदर ट्रंप ने अमरीका आने वालों की जाँच पड़ताल मजीद तेज करने का हुक्म दे दिया। रूह कांप उठी, दिल दहल गए। फैसलाबाद में जुल्म और बेहिसी की दर्दनाक दास्तान, नामालूम अफराद ने शीरखार बच्चे को कूड़े के ढेर में फेंक दिया और किसी ने आग लगा दी नन्नी जान ने। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से, शर्जील मेमन शिकंजे में आए तो नैब में ऐब नजर आए। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असेंबली में कौमी एहतसाब ब्यूरो को झूठा करार देकर सवालात उठा दिए। कहते हैं क्या नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, इसहाक डार के नाम भी ECL में हैं? पीपल्स पार्टी हुकूमत ने अक्सरियत के बिल पर नैब के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर करा ली। वजीर आला सिंध ने नैब को गैर आईनी इदारा करार दे दिया। क्या हो रहा है? नैब के मुलजिम और पीपल्स पार्टी के हीरो शर्जील इनाम मेमन सिंध असेंबली में आते ही नैब और सियासी मुखालफीन पर बरस पड़े। 6.25 अरब रुपए के करप्शन रेफरेंस में गिरफ्तार MPA शर्जील मेमन को बख्तरबंद गाड़ी के जरिए सेंट्रल जेल कराची से सिंध असेंबली लाया गया तो पीपल्स पार्टी वालों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। शर्जील मेमन ऐवान में पहुंचे तो साथ ही अरकान ने डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। वेलकम शर्जील। जेल से निकलकर ठंडे ऐवान में पहुंचने पर शर्जील मेमन ने पहले नैब को फ्रॉड और झूठा करार दिया, फिर शरीफ खानदान के करप्शन रेफरेंसेस को लेकर नैब के दोहरे मयार पर सवालात उठा दिए। मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली का, जिन पर रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं, क्या उनके नाम ECL पे हैं? तो ये दोगली पॉलिसी क्यों है? जो ट्रीटमेंट मेरे साथ पाकिस्तान आते वक्त हुई, अरेस्ट होते वक्त हुई, क्या आज मियां नवाज शरीफ के साथ वो सेम ट्रीटमेंट होगी? शर्जील मेमन ने अदालत से गिरफ्तारियों पर एक मिसाल भी पेश की। सुना होगा कि कैप्टन सफदर गिरफ्तार हो गए। नैब का सबसे बड़ा फ्रॉड यह था कि जब एहतसाब अदालत पिंडी ले गए उनको, उसमें उन्होंने गिरफ्तारी शो नहीं की थी। शर्जील मेमन का शानदार इस्तकबाल अपोजिशन को एक आंख न भाया। ऐसा मिसाल कायम ना हो कि बाहर फूल भरसा हो और चोर आया है, चोर आया है। इजलास के बाद शर्जील मेमन के लिए सिंध असेंबली कैफेटेरिया में पुरतकल्लुफ जोराने का एहतमाम किया गया, जिसके बाद वो वापस सेंट्रल जेल चले गए। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। शर्जील मेमन की गिरफ्तारी पर सिंध असेंबली में नैब के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। फंक्शनल लीग, PTI और नून लीग ने करारदाद की मुखालफत, जबकि MQM ने लाताल्लुकी जाहिर की। वजीर आला सिंध कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं, डिक्टेटर के बनाए इदारे की कोई आईनी हैसियत नहीं। तफसील बताएंगे वकील राव। पीपल्स पार्टी की हुकूमत शर्जील मेमन की गिरफ्तारी का मामला सिंध असेंबली में ले आई और अक्सरियत के बलबूते पर नैब के खिलाफ करारदाद भी मंजूर करा ली। नैब के खिलाफ करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन खुर्शीद जुनेजो ने पेश की। फंक्शनल लीग, नून लीग और PTI ने करारदाद की शदीद मुखालिफत की। अगर करारदाद लेकर आई जाएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी करारदादों को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। MQM ने करारदाद पर एतराज उठाया मगर मुखालिफत नहीं की।
शर्जील साहब आए अपने दिफा के लिए, अपने दलाइल आप वहां दे रहे हैं, अदालतों के प्रोसेस में जा रहे हैं, आपको अवाम अप्रिशिएट करेगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं है। इजलास में मौजूद वजीर आला सिंध ने नैब का खूब लफ्जी रिमांड लिया। बना लो जो केसेस बनाने, एक शख्स को गिरफ्तार किया और बाद में ऑर्डर में दिखाते हैं कि आप सबने नहीं देखा कि शारा इराक से, मस्जिद खिजरा से कहीं से गिरफ्तार किया, झूठ आंखें खोले। नैब के खिलाफ करारदाद मंजूर करने वाले इसी ऐवान ने रवा साल अक्टूबर में नैब ऑर्डिनेंस के खात्मे का बिल भी मंजूर किया था। इस बिल के खिलाफ भी ऑपोजिशन ने खूब एहतजाज किया, मगर हुकूमत के आगे किसी की एक नहीं चली। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अहम खबर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने नैब टीम को एप्रन तक रसाई से रोक दिया है। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि किसी भी शख्स को जहाज से गाड़ी में बिठाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। नैब ने नवाज शरीफ के जहाज तक रसाई के लिए एयरपोर्ट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को खत लिखा था। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे इमरान असगर से। इमरान, क्या मजीद तफसीलात हैं? जी नबीला, बिल्कुल, डीजी नैब के स्टाफ की जानिब से खत लिखा गया एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑफिसर को, जबकि इसके अलावा एयरपोर्ट मैनेजर को, और इसमें इस्तदा की गई नैब की जानिब से कि हम के जैसा कि मियां नवाज शरीफ कल लंदन से वापस आ रहे हैं, तो इनकी और इनके पूरे स्टाफ को जो 786 जो प्लेन आएगा पीआईए का, उस तक रसाई दी जाए, ताकि वो जो हुक्मनामा है नैब अदालत का, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के जो बेलेबल अरेस्ट वारंट है उसकी उन्होंने तामील करवानी है। इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर एयरपोर्ट इंतजामिया ने नैब को बिल्कुल रोक दिया है कि इनको किसी भी सूरत जो है वो इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो त्यारे तक अपने स्टाफ के जरिए जाए। ये बिल्कुल अगर याद किया जाए कि जिस तरह मरियम नवाज और सफदर जब आए थे तो उसमें मरियम नवाज के जो वारंट थे वो बेलेबल थे, इसलिए वो बाकायदा तौर पर रावल लाउंज में बैठी, उन्होंने बाकायदा तौर पर तामील की, नैब ने अपनी तमाम तर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की, लेकिन दूसरी जानब उनके शौहर जो कैप्टन सफदर थे उनके जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट थे। इसी वजह से हमने अपने नाज़रीन को दिखाया भी था कि कैप्टन सफदर को बाज़ाब्ता तौर पर नैब ने अरेस्ट किया और दूसरे दिन उनको कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मियां नवाज शरीफ के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है। बहुत शुक्रिया इमरान असगर अपडेट करने के लिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल सुबह लंदन से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद महमूद से। लंदन में नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक, फैसला भी बड़ा कर लिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की आज वतन रवानगी, 3 नवंबर को एहतसाब अदालत में पेश होंगे। नवाज शरीफ से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, हुसैन और हसन नवाज की मुलाकात में हर तरह के हालात का सामना करने का फैसला कर लिया गया। नवाज शरीफ ने वापसी का टिकट कटवा लिया। पीके 786 के जरिए जुमेरात को पाकिस्तान पहुँचेंगे। एयरपोर्ट पर पार्टी के अहम कायदीन इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से पंजाब हाउस जाएंगे, जहां सियासी और कानूनी मशावरत का सिलसिला जारी रखेंगे। तर्जमान मुस्लिम लीग नून सेनेटर आसिफ किरमानी के मुताबिक नवाज शरीफ ने कारकुनों के नाम पैगाम में कहा है कि वो अल्लाह की मदद और नुसरत पर यकीन रखते हैं। नवाज शरीफ ने कारकुनों से एयरपोर्ट न आने की दरख्वास्त की। 3 नवम्बर को नवाज शरीफ के साथ मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर को भी नैब अदालत ने तलब कर रखा है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी की तस्दीक कर दी। एक सवाल पर कहते हैं इसहाक डार की तबीयत ठीक नहीं, उनका लंदन में चेकअप हो रहा है। ज्यादा में तबीयत खराब हुई थी, उनका यहाँ पर चेकअप है, अल्लाह ताला करेगा, अल्लाह मियां उनको सेहत देगा, तो वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं है। अहम खबर देंगे आपको, बेगम कुलसूम नवाज की दूसरी कीमोथेरेपी, हार्ले स्ट्रीट अस्पताल ले जाया गया है उनको। नवाज शरीफ खुद अहलिया को अस्पताल लेकर गए हैं, दूसरी कीमोथेरेपी है ये बेगम कुलसूम नवाज की। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बेगम नवाज की दूसरी कीमोथेरेपी हार्ले स्ट्रीट अस्पताल में उन्हें ले जाया गया है, जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ खुद अहलिया को अस्पताल लेकर गए हैं। हार्ले स्ट्रीट अस्पताल जहाँ पर बेगम कुलसूम नवाज की दूसरी कीमोथेरेपी की जाएगी और नवाज शरीफ अपनी अहलिया के हमरा मौजूद हैं।
करप्शन के खिलाफ एहतसाब की नई पटारियां खुल गई। नैब ने ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नैब लाहौर ने इसहाक डार और उनकी अहलिया को कल तलब कर लिया है, जबकि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही को भी 6 नवंबर को पेशी का समन जारी कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमा अलीम खान के गिर्द भी घेरा तंग होने लगा। मजीद जानेंगे आमिर इलियास राणा से। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के चार्ज संभालते ही नैब की अलमारियों में बरसों से बंद पड़े मुकदमात खुलने लगे। चेयरमैन नैब का ग्रीन सिग्नल मिलते ही नैब लाहौर हरकत में आ गया। डीजी नैब लाहौर ने करप्शन में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासों की तहकीकात के लिए वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार और उनकी अहलिया को जुमेरात के रोज तलब कर लिया, जबकि उनके बच्चों को 6 नवम्बर को पेश होने की हिदायत की है। नैब का हाथ दूसरे सियासतदानों तक भी पहुंचने लगा। जराए के मुताबिक आमदन से जायद असासों, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही को भी 6 नवंबर को नैब ऑफिस लाहौर में तलब कर लिया गया है। नैब लाहौर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया। जराए बताते हैं कि अलीम खान पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाने का इल्जाम है। नैब ने मामले की तहकीकात के लिए अलीम खान को बुलाया तो उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट से हुक्म इम्तना ले लिया। अलीम खान के इस इकदाम के खिलाफ नैब ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है और दरखास्त की फौरी समाअत की अपील की है। नैब लाहौर ने LDA से गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हाउसिंग सोसाइटियों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया, ताकि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। जराए बताते हैं कि ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां बाअसर अफराद के जेर साया चल रही हैं। आमिर इलियास राणा, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नई हलका बंदियों में जहां कौमी असेंबली में पंजाब की 9 नशिस्तें कम हो जाएंगी, वहीं खैबर पख्तूनख्वा की 5, बलोचिस्तान की 3 और इस्लामाबाद की 1 नशिस्त बढ़ेगी। सिंध और फाटा की नशिस्तें बरकरार रहेंगी। आईनी बिल को पार्लिमानी जमातों ने हतमी शक्ल दे दी है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुकर्रा वक्त पर इंतखाबात चाहती है। तफसील बताएंगे अहमद मंसूर। नई मर्दम शुमारी के बाद नई हलका बंदियां और कौमी असम्बली की नशिस्तों में रद्दोबदल का एजेंडा लेकर पार्लिमानी जमातों के रहनुमा एक बार फिर मिल बैठे। स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में होने वाले इजलास में मंगल को तय किए गए आईनी बिल की नोक पलक संवारी गई। मुजवजा बिल के तहत कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें 272 ही रहेंगी। पंजाब के जिला गुजरांवाला, कसूर, ओकाड़ा, साईवाल, अटक, शेखुपुरा और पाकपतन में कौमी असम्बली की एक एक नशिस्त कम की जाएगी, जबकि डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लैया और लाहौर के इजला में कौमी असम्बली की एक एक नशिस्त बढ़ेगी। नए फार्मूले के तहत कौमी असम्बली का एक हलका 7,80,000 की आबादी पर मुश्तमिल होगा। फेडरल कैपिटल में 3 जनरल सीट्स, पहले 2 थी, 1 इंक्रीज हुई है। पंजाब में 141 जनरल सीट्स, 33 विमेन सीट्स, 174 टोटल सीट्स हैं। नई हलका बंदियों के नतीजे में जहां कौमी असेंबली में पंजाब की 9 नशिस्तें कम हो जाएंगी, वहीं खैबर पख्तूनख्वा की 5, बलोचिस्तान की 3 और इस्लामाबाद की 1 नशिस्त बढ़ेगी। सिंध और फाटा की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ ने फौरी आम इंतखाबात के मुतालबे पर यू टर्न ले लिया। हमारी पार्टी की मीटिंग हुई थी, पार्टी की इस इजलास से पहले, उसमें हमने ये फैसला किया था कि हम चाहते हैं इलेक्शंस पर वक्त हो, क्योंकि किस्म किस्म की क्या सराइयां हो रही थी। कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ़ खुर्शीद शाह ने आईनी तरमीम पर सेनेट को भी एतमाद में लेने का मुतालबा किया। संसद में जो भी कोई बाय इलेक्शन होगा, इसी उसके डिलिमिटेशन होगा, उसमें होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने बताया, नई हलका बंदियों के लिए आईनी तरमीम कौमी असम्बली से जुमेरात को मंजूर कराई जाएगी। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज में दाखिले और मुलाजमतों के लिए टेस्ट लेने वाला इदारा NTS टैक्स चोरी में मुलव्वस निकला। माली बेजाब्तगियों के खिलाफ शिकंजा कसा गया तो अहम मोहरे जुनेद जैदी और हारून रशीद मुल्क से फरार हो गए। FBI ने इंकशाफ किया है कि NTS ने टैक्स रिटर्न्स में गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स जाहिर ही नहीं किए।
सरकारी मुलाजमतों के लिए इम्तहान लेने वाले इदारे का अपना इम्तहान शुरू हुआ तो दो नंबरी की सारी कार्रवाइयां बेनकाब होने लगी। नेशनल टेस्टिंग सर्विस के खिलाफ FBR ने तहकीकात का जाल बिछा दिया। जूं जूं तफ्तीश आगे बढ़ रही है, माली बेजाबतियों और घपलों के तह दर तह परतें खुलती जा रही हैं। FBR ने नया इंकशाफ किया है, NTS ने टैक्स रिटर्न्स में गैर मुल्की करेंसी अकाउंट जाहिर ही नहीं किए। नेशनल टेस्टिंग सर्विस में टैक्स चोरी के साथ साथ बड़े पैमाने पर माली बेजाबतियों में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साबिक सरबरा जुनेद जैदी और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हारून और रशीद दोनों मुलविस निकले हैं। सरकारी मुलाजमतों में शिफाफियत लाने के लिए NTS 2003 में बनाया गया था, मगर जुनेद जैदी और हारून और रशीद ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए 13 साल तक इदारे का ऑडिट ही ना होने दिया। मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आया तो 2016 में NTS का पहला ऑडिट किया गया। FBR ने जुनेद जैदी और हारून और रशीद के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल करके असासों और टैक्स रिकॉर्ड की छानबीन की तो अरबों रुपए की टैक्स चोरी सामने आ गई। तहकीकाती इदारों ने टैक्स चोरी समेत माली बेजाब्तियों में मुलव्वस अहम मोहरों को तफ्तीश का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। दूसरी जानिब हारून और रशीद और जुनेद जैदी मुल्क से फरार हो चुके हैं। मजीद खबरें आप जान पाएंगे इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज़ ब्रीफ का कहना है कि वजीर आजम को एक मिनट में हाईजैकर बना देना कहां का दस्तूर है, अदालत ने मुझे किस कानून के तहत सजा दी। पाकिस्तान के निजाम में तजादात हैं, दुआ करें ये तजादात दूर हो जाएं। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस गुफ्तगू में उनका कहना था कि एक मिनट में वजीर आजम को हाईजैकर बना देना कहां का दस्तूर है, अदालत ने मुझे किस कानून के तहत सजा दी। ये सब कहा जा रहा है कि नैब आपके अरेस्ट वारंट या आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, डराने की कोशिश हो रही है कि आप ना आए, उनका मकसद यह है कि वो दूर रखा जाए, क्या कहेंगे आप? बहुत कुत्ता है ये तो, आप 1999 में भी आपने देखा है क्या कुछ नहीं किया गया। थोड़ा सा हाईजैकिंग का केस मेरे ऊपर बनाया गया और हाईजैकिंग में मुझे सजा हुई कौन से कानून के तहत हुई थी और जिस अदालत ने दी है किस कानून के तहत उसने मुझे हाईजैकिंग की सजा दी है? एक सेकंड में एक प्राइम मिनिस्टर को उठा के हाईजैकर बना देते हैं, ये कहाँ का दस्तूर? फारूक सत्तार का 5 नवंबर को हर हाल में जलसा करने का ऐलान, कहते हैं शहर में लगे हमारे बैनर्स और परचम पुलिस और इंतजामिया उतार रखी है। फारूक सत्तार ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम को झूठा करार दे दिया। 22 अक्टूबर को हमने 15 रोज पहले ये ऐलान किया था और हमने 23 अक्टूबर को हमने दरखास्त जमा करा दी थी इंतजामिया और पुलिस को और हुकूमत सिंध को, ये बता दिया था कि हम 5 नवंबर को ये जलसा आम करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें 2 रोज पहले ये कहा जाए कि आपको इस जलसा आम की इजाज़त नहीं मिलेगी तो मैं समझता हूं कि ये हमें हमारे सियासी और जमहूरी हक से रोका जा रहा है। और एक्सप्रेस न्यूज की कोशिशें रंग ले आई। 11 साल से भारतीय जेल में कैद 2 पाकिस्तानी बहनों और 10 साल बच्ची को रिहाई मिल गई। मंशिया स्मगलिंग के बेबुनियाद इल्जाम में सजा काटने वाली खवातीन दीगर 10 कैदियों के साथ वाघा बॉर्डर के रास्ते कल वतन वापस लौटेंगी। तफसील बता रहे हैं आसिफ महमूद। एक्सप्रेस की कोशिशें ले आई है रंग। गुजरांवाला की 2 बहनें फातिमा और मुमताज को भारत में नाकर्दा गुनाहों की 11 साल कैद की सजा काटने के बाद रिहाई मिल गई है। मई 2006 में अटारी स्टेशन पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मंशियात स्मगलिंग का इल्जाम लगाकर भारतीय अदालत ने इन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के वक्त फातिमा नामी खतून हामला थी और उसने जेल में ही एक बच्चे गया। भारत की एक NGO ने उनका जुर्माना अदा कर दिया है जिस पर अब इनकी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अगस्त 2016 में इन्होंने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया था कि मैं पाकिस्तान जो इनके रिलेटिव्स हैं वहाँ पे कांटेक्ट करूँ, उनको फोन करूँ ताकि वो ये 4 लाख रुपए जुर्माने की रकम अदा कर सकें। तो मैंने जब उनको फोन किया तो उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की। नन्ही हिना पहली बार उस सरजमीन पर कदम रखेगी जिसकी कहानियाँ वो 10 साल तक अपनी माँ और खाला से जेल में सुनती रही है। भारतीय जेलों में कैद दीगर 10 पाकिस्तानी कैदी भी रिहा होकर वापस आ रहे हैं जिनमें 9 माहीगीर हैं। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।